हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू फास्ट एंड टेक रिव्यू। गाइज, ये है BMW X7 X-Drive M Sport की 2023 वेरिएंट और आज हम करेंगे इसकी फास्ट एंड टेक रिव्यू। इसे पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था और ये इसकी 2023 की फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट है। आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देना है मेरा कर्म, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपका धर्म है कि नहीं। पर एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देखें तो इसमें नीचे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ग्लॉसी ब्लैक रेडिएटर ग्रिल के साथ सेंटर में सिग्नेचर किडनी ग्रिल, फ्रंट कैमरा और BMW का लोगो प्लेस किया गया है। यह ऑटोमेटिक फुली अडेप्टिव स्प्लिट LED हेडलाइट विथ LED DRL एंड हाई बीम असिस्ट। इसके ऊपर रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर्स, सनरूफ, रूफ रेल्स और शार्पर एंटीना दिया गया है। बात करें साइड प्रोफाइल की तो यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हीटेड ORVM विथ कैमरा एंड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में M Sport की बैचिंग, एल्यूमिनियम रनिंग बोर्ड, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और ब्लैक आउट पिलर्स दिया गया है। बात करें डायमेंशंस की तो इसमें 5.1 मीटर लेंथ, 1.8 मीटर हाइट और 221 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 21 इंच डबल स्पोक स्टाइल एम लाइट एलॉय व्हील्स विथ ऑल टायर डिस्क ब्रेक्स ऑफर किया गया है। ये इसकी टेंसनाइट ब्लू कलर है। इसके अलावा इसमें व्हाइट, ग्रे और ब्लैक कलर ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा बात करें रियर प्रोफाइल की तो यहाँ भी नीचे रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ एग्जॉस्ट टेल पाइप और बॉडी कलर्ड बम्पर प्लेस किया गया है। वहीं सेंटर में BMW का लोगो, रियर कैमरा, X-Drive 40i की बैचिंग और 3D LED टेल लाइट विथ टर्न इंडिकेटर एंड पार्किंग लैंप मिल जाता है। इसके ऊपर वाइपर, डिफॉगर और स्पॉइलर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। इसके अलावा आप इसके रिमोट की से इंजन स्टार्ट करने के साथ अपने स्मार्टफोन से गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं। बात करें सेफ्टी की तो इसमें 8 एयरबैग्स, ऑल टायर डिस्क ब्रेक्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, ऑटोमेटिक डिफरेंशियल ब्रेक, सराउंड व्यू कैमरा, ड्राइव रिकॉर्डर, पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, एक्टिव प्रोटेक्शन, BMW कंडीशन बेस्ड सर्विस, इंटेलिजेंस मेंटेनेंस सिस्टम, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, साइड इंपैक्ट प्रोटेक्शन, टायर प्रेशर इंडिकेटर, क्रैश सेंसर और 3-point सीट बेल्ट जैसे सभी सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा बूट ओपन करने पर आपको मिलेगा 320 लीटर्स लगेज स्पेस, स्प्लिट टेल गेट, पॉकेट फर्स्ट एड किट, 12 वोल्ट पोर्ट, लाइट और सीट फोल्डिंग बटन। एंटरटेनमेंट के लिए इसमें 16 स्पीकर्स, 464 वॉट्स हरमन कार्डर सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है। इसके अलावा बात करें रियर डोर ट्रिम की तो इसमें स्मॉल स्पेस, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रोलर सनब्लाइंड कंट्रोल और पावर विंडो कंट्रोल बटन के साथ नीचे वुड ट्रिम, बॉटल होल्डर और एम्बिएंट लाइटिंग दिया गया है। यह इंडिविजुअल BMW ब्राउन एक्सटेंडेड मेरिनो लेदर अपहोल्स्ट्री। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट, पॉकेट और डुअल USB पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा रियर सेंटर कंसोल में डुअल ग्लास होल्डर, डुअल USB पोर्ट, 12 वोल्ट पोर्ट, स्पेस, AC कंट्रोल और AC वेंट दिया गया है। बात करें थर्ड रो की तो इसमें 50-50 स्प्लिट फोल्डिंग सीट विद हेडरेस्ट और बॉटल होल्डर के साथ सीट फोल्डिंग बटन्स, AC कंट्रोल्स, AC वेंट और रीडिंग लाइट दिया गया है। बात करें ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की तो यहाँ भी नीचे बॉटल होल्डर और स्पेस के साथ यहाँ स्मॉल स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल, ORVM कंट्रोल, बूट ओपन बटन, डुअल मेमोरी सीट फंक्शन और डोर अनलॉक लीवर दिया गया है। यह इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कंफर्टेबल लेदरेट सीट, इसमें हेडरेस्ट, सीट बेल्ट, मसाज, वेंटिलेशन, हीटिंग, मेमोरी और लंबर सपोर्ट मिल जाता है। नीचे कार कंट्रोल पैडल्स और यहाँ बोनेट ओपन लीवर, स्पेस, हेडलाइट कंट्रोल और AC वेंट दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट सेंटर कंसोल में भी आर्मरेस्ट विथ स्पेस, USB पोर्ट, सस्पेंशन हाइट एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, पार्क असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन और 8 स्पीड स्टेप टॉनिक स्पोर्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ iDrive इंफोटेनमेंट कंट्रोलर दिया गया है। इसके आगे वुडन ट्रिम, डुअल ग्लास होल्डर्स, 12 वोल्ट पोर्ट, USB पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग और इसके ऊपर 5 जोन ऑटोमेटिक AC कंट्रोल के साथ 14.9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो सपोर्ट करेगा वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 5G कनेक्टिविटी, गेस्चर कंट्रोल, ब्लूटूथ, USB, माय BMW ऐप, पर्सनल असिस्टेंट, BMW ऑपरेटिंग सिस्टम 8, 3D मैप नेविगेशन, वॉइस कंट्रोल, एंटी थेफ्ट रिकॉर्डर, ड्राइव रिकॉर्डर, FM रेडियो और पार्किंग डिस्प्ले जैसे फीचर्स। इसके अलावा यहाँ हेड अप डिस्प्ले दिया गया है। इसमें मीडिया, स्पीड और RPM जैसे सभी रीडिंग्स क्लियरली शो हो जाएंगे। वहीं लेफ्ट साइड डैशबोर्ड में लाइट बार, AC वेंट और लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है। इसके ऊपर पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर विथ लाइट, ऑटोमेटिक एंटी डजल IRVM, ड्यूअल LED रीडिंग लाइट, इमरजेंसी SOS बटन और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विथ लाइट दिया गया है। यह एम लेदर स्टीयरिंग व्हील, इसमें क्रूज कंट्रोल विथ ब्रेकिंग फंक्शन, BMW का लोगो, फोन वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कंट्रोल बटन्स दिया गया है। इसके नीचे पैडल शिफ्टर, वाइपर कंट्रोल और ऑपोजिट में हेडलैम्प कंट्रोल स्टॉक के साथ इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट प्लेस किया गया है। यह 12.3 इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल, बैटरी लेवल, ट्रिप टाइम, TPMS, एवरेज रेंज और टर्न इंडिकेटर जैसे सभी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट रीडिंग्स क्लियरली शो हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें BMW X7 के पेट्रोल इंजन की तो इसमें 3000 cc इनलाइन 6 सिलेंडर
सिलेंडर BMW B58 B30 M2 ट्विन पावर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 381 HP पावर और 520 Nm टॉर्क के साथ 11 किलोमीटर पर लीटर एवरेज प्रोड्यूस करता है। तो गाइस, ये थी BMW X7 2023 फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट की फास्ट एंड टेक रिव्यू। आपको कैसी लगी ये कार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिव्यू के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।